प्यारे दोस्तों, पूरे विश्व के बहनों और भाइयों, आपको याद होगा कि जब हमारे विवेकानंद जी शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपने प्रवचन दे रहे थे तो लोगों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा था, और मैं उन्हीं का शिष्य फकीर योगी वीरेंद्र योगी, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप सबों से निवेदन करता हूँ कि केवल मानव जाति ही हमारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स नहीं है, परंतु इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को भी मिला के हमारे लिटिल सिस्टर्स हैं, बिलवेड ब्रदर्स हैं। जैसे सेंट फ्रांसिस ने कहा था, लिटिल सिस्टर्स, बर्ड्स को संबोधित किया था, तो आप सबों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, इनके साथ हमारा बहुत ही सौहृद वातावरण में व्यवहार होनी चाहिए। इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाई। इनको अपने बच्चे की तरह देखभाल करना हम मनुष्य जाति का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप देख सकते हो कि एक मनुष्य मानव रत्न पद्मभूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी इन सारे जीव जंतुओं के लिए इतने सुंदर बाग बना दिए हैं, बगीचे बना दिए हैं, और इनकी चाहती हुई शब्द को आप सुन रहे हैं। अगर आपका सौभाग्य है तो इनके घर में कभी जाके देखिए। इनके घर में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि मछलियां हो, कुत्ते हो, पशु पक्षी हो, सबों का बराबर सम्मान होता है, अपने बराबरी के साथ सम्मान करते हैं। और हमारे प्रिय दोस्त इब्राहिम लिंकन और मोहनदास करमचंद गांधी भी ने कहा था कि केवल हम मनुष्य जाति की स्वतंत्रता के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम नहीं करें, बल्कि इस धरती पर जितने भी रहने वाले जीव जंतु विभिन्न प्रजातियां हैं, सबों के साथ हमारा प्यार उतना ही हो जितना हम अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा ज्ञान है, उसको मैं फिर से बतलाना चाहता हूँ आपको। आत्मबसर होते सो सारी आत्माएं हमारी आपकी आत्मा की तरह हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो। वसुधैव कुटुंबकम्, पृथ्वी ही वसुधा ही हमारा परिवार है, और इस पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबों के साथ हमारा व्यवहार अत्यंत अत्यंत आत्मित हो, अत्यंत प्रेम से हो। और जब हमारे पास बुद्धि, विचार, विवेक, ज्ञान, शक्तिमान सब कुछ है, तो इनको भी हम अपने ही तरह, अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों की तरह सम्मानित करें, इनकी सुरक्षा का ख्याल करें। अभी समर आना है, गर्म गर्मी आना है, इसीलिए इनके लिए खाना पानी सबों की व्यवस्था करना मानव जाति का धर्म है। परंतु मुझे बहुत ही दुख है कि कितने लोग हैं जिसमें ये भावना है, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ इस भावना को जगने दीजिए, मानवता को विस्तृत होने दीजिए, और सबों के साथ प्यार करने की एक संकल्प से सिद्धि की तरह बढ़िए। कल विवेकानंद जी का जन्मदिन था, 12 जनवरी, इसीलिए उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ें और सारे लोगों के लिए जिंदा रहें। इसीलिए विवेकानंद की बात को याद रखिए, वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं वो तो कब के मर गए। विचारो लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।